आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। अगर परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई के बाद शादी का इंतजार आप कर रहे हैं तो खबर आपके लिए है, क्योंकि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा दोनों ही मिलकर शादी का वेन्यू तलाश रहे हैं। और अंदर की खबर यह है कि दोनों राजस्थान में शाही अंदाज में शादी कर सकते हैं। ये खबर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सगाई दोनों की हो चुकी है 13 मई को। तस्वीरें भी सामने आई थी, वो तस्वीरें आप सबने देखी होंगी। ब्लेसिंग्स अब उन्हें चारों तरफ से मिल रही हैं, सिर्फ देश ही से नहीं बल्कि विदेशों में भी जो उनके फैंस हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उन्हें बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन अब जब शादी की खबरें जोरों पर हैं इस साल के एंड तक या फिर हो सकता है अक्टूबर में भी, क्योंकि खबरें दोनों हैं, अक्टूबर में शादी हो सकती है या फिर साल के एंड में शादी दोनों की हो सकती है। ऐसे में परिणीति चोपड़ा शनिवार सुबह उदयपुर पहुंची, परिवार वालों के साथ में थी। उदयपुर में लीला पैलेस में वो रुकी हैं, साथ ही साथ उदयपुर में पर्यटन विभाग के अधिकारियों से मिलकर वहाँ के होटल्स के बारे में, वहाँ के पर्यटन स्थलों के बारे में वो जानकारी ले रही हैं। और ये सब जानकारियाँ ऐसे ही तो वो नहीं लेंगी, इसीलिए खबर ये सामने आ रही है कि उदयपुर में शादी होगी। हम सब जानते हैं कि परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा दोनों कज़न हैं, और प्रियंका चोपड़ा की शाही शादी मुझे याद आ गई जो जोधपुर में हुई थी। निक जोनस के साथ प्रियंका चोपड़ा ने शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया, और फिर वो शाही शादी सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देखी थी, क्योंकि निक जोनस से वो शादी कर रही थी। अब उनकी जो कज़न है परिणीति चोपड़ा, अब अपनी शादी की तैयारियों में जुट गई हैं। खबर ये है कि उदयपुर या फिर जयपुर, इन दोनों में से कहीं कोई शादी का वेन्यू डिसाइड कर सकते हैं, और बहुत भव्य तरीके से शादी के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, शादी का वेन्यू तलाशा जा रहा है, और इसीलिए परिवार वालों के साथ में परिणीति चोपड़ा पहुंची। अब खबर यह है कि चूंकि उदयपुर में रविवार सुबह तक अभी, यानी कि आज सुबह तक प्रियंका चोपड़ा के, माफ़ कीजिए, परिणीति चोपड़ा के होने की खबर थी। खबर ये भी है कि जयपुर आज ही राघव चड्ढा भी जा सकते हैं, और उसके बाद परिणीति चोपड़ा भी जयपुर जाएंगी। यानी कि पहले उदयपुर में परिणीति चोपड़ा और उनकी फैमिली के मेम्बर्स ने वहाँ पर शादी के वेन्यू को लेकर कुछ जाँच पड़ताल की है, कुछ देखभाल की है, ये जाना है कि आसपास कौन से होटल हैं, क्योंकि मेहमान भी आएंगे, देश ही नहीं विदेशों से भी आएंगे, उनके ठहरने का इंतज़ाम क्या होगा, क्या कुछ आसपास ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जो आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके बाद जयपुर में मिलना राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, बल्कि ये भी शादी के वेन्यू से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। माना ही जा रहा है कि राजस्थान में या तो उदयपुर या तो जयपुर, इन दोनों ही जगहों में से कोई एक खूबसूरत जगह दोनों के परिवारों को मिलकर तय करनी है, और फिर शादी की शहनाइयाँ बजने की तैयारियाँ पूरी ही समझिए। तो उदयपुर या फिर जयपुर, आपको कौन सी जगह पसंद है, आपको क्या लगता है? बतौर फैन, बतौर फॉलोअर, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी जयपुर में होनी चाहिए या फिर उदयपुर में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी इस खबर से जुड़ा आगे जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगी।